निर्देशक जेपी दत्ता ने बॉर्डर, एलओसी, कारगिल, रिफ्यूजी जैसी कई सफल देशभक्ति फिल्में हमारे लिए बनाई हैं और अब वह पलटन लेकर आ रहे हैं, जो इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। पलटन फिल्म साल 1967 में भारत चीन के बीच हुए टकराव पर आधारित है। पलटन में चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए भीषण लड़ाई का सामना कर रहे भारतीय सेनाओं की एक अनकही कहानी को दिखाया गया है। और अब देखते हैं कि मुंबई की ऑडियंस का फिल्म के बारे में क्या कहना है। देखने जैसी है। एक्चुअली हम आर्मीज को लेकर किसी मूवी को देखते हैं ना, तो ये कॉमन है कि हम इंडिया पाकिस्तान ही देखते आए हम तक, बट ये थोड़ा सा यूनिक है जेपी दत्ता के थ्रू कि हम इस बार इंडिया और चाइना को देख रहे हैं कि चाइना ने क्या क्या किया था, 62 में क्या हुआ था, इंडिया ने उसका बदला कैसे लिया। तो लोग थोड़ा यूज्ड टू हो गए थे इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक पर, बट चाइना थोड़ा न्यू टॉपिक है और मूवी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली लास्ट के हाफ एन आवर में, जहाँ थोड़ा सा स्टोरी जो है जज्बात से जुड़ी हुई है, लोगों के इमोशंस के जो शहीद हो गए उनकी फैमिली क्या रिएक्ट करती है। दिस वॉज डेफिनेटली अ गुड शो। दिस वॉज टॉकिंग, दिस पर्टिकुलर फिल्म वॉज टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच पीपल बैली न्यू अबाउट, तो उस चीज़ को रिवाइव करना, लोगों के सामने लेके आना, वाज प्रीटी कमेंडेबल। फिल्म बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पेट्रियोटिक फील देती है एंड बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च किया है बिकॉज द कैरेक्टर्स वर ऑल रियलिटी बेस्ड, द लोकेशन, एवरीथिंग, और बहुत जन नहीं जानते इस वॉर के बारे में, तो आई थिंक द रिसर्च वॉज वेरी गुड। इतनी सारी कास्ट थी और जेपी दत्ता की फिल्म थी, देशभक्ति से भरपूर थी, तो अदाकारी सबने बेहतर की है, लेकिन मुझे हर्षवर्धन राणे प्रभावित कर गए हैं। उन्हें अच्छे डायलॉग मिले थे, उन्होंने अच्छे से उसे बोला भी है, बाकी लोगों ने अच्छी अदाकारी की है, लेकिन इस तरह की कहानी जो है हमने बॉर्डर में देखी थी, एलओसी में देखी थी, तो इस बार जाहिर है कि मेरी उम्मीदें ज़्यादा थी, तो उन उम्मीदों को ये छू नहीं पाई है। अपनी आप में ये जो नथुला की जो लड़ाई थी वो बेहतर है। आप देखते हैं कि सभी ने फिल्म को कितने स्टार दिए हैं। आउट ऑफ 5 मैं 3.5 देना चाहूँगा। 3 out of 5 3। इसे 5 में से क्लाइमेक्स को और इतनी मल्टी स्टार कास्टिंग है, अच्छी अदाकारी भी है, तो 3 स्टार बनते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म ऑडियंस को पसंद आ रही है और जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आप सभी को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। INS रिपोर्ट।